बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे। तो कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन यूपी में और दिल्ली में और जगह कैसा चल रहा है आपका ये टाइम, मुझे कमेंट में बताइए। खुश रहिए और दूसरों को रखिए। तो बताइए मुझे कमेंट में, मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिए आगे फूडिस्टा की, और मुझे ज़रूर बताइए कि मैं आगे क्या आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज सुबह सुबह का सारा शेड्यूल ऐसे ही था, थोड़ा ढीला ढाला। तो आज मैं गई बैंक, जो कि थोड़ा सा ऐसे ही रहा, तो थोड़ा बिजी था आज सुबह सुबह का। और जब लंच घर पर आई तो लंच टाइम हो चुका था, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। तो घर पर आकर मैंने सीधा ब्रेकफास्ट ही किया, सॉरी लंच किया, ब्रेकफास्ट तो मैंने स्किप कर दिया। सुबह सुबह मुझे बैंक जाना था, तो इसलिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे। तो कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन यूपी में और दिल्ली में और जगह कैसा चल रहा है आपका ये टाइम, मुझे कमेंट में बताइए। खुश रहिए और दूसरों को रखिए। तो बताइए मुझे कमेंट में, मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिए आगे फूडिस्टा की, और मुझे ज़रूर बताइए कि मैं आगे क्या आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज सुबह सुबह का सारा शेड्यूल ऐसे ही था, थोड़ा ढीला ढाला। तो आज मैं गई बैंक, जो कि थोड़ा सा ऐसे ही रहा, तो थोड़ा बिजी था आज सुबह सुबह का। और जब लंच घर पर आई तो लंच टाइम हो चुका था, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। तो घर पर आकर मैंने सीधा ब्रेकफास्ट ही किया, सॉरी लंच किया, ब्रेकफास्ट तो मैंने स्किप कर दिया। सुबह सुबह मुझे बैंक जाना था, तो इसलिए। तो बस सुबह का ऐसे बिजी शेड्यूल था, तो इसलिए मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। और दिन में बस थोड़ा बहुत आई तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो मैंने बस दो पैकेट मैगी बची थी तो मैंने वही खा लिया। और मैं बचपन से फ़ैन हूँ मैगी की, तो सबको पता होगा, जो थोड़े से व्यूअर हैं उनको पता है। तो बस मैं उसी की फ़ैन हूँ बचपन से। ये भी मैगी अभी आई है, मैं जो येलो मैगी आती है मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो बचपन से खाती हूँ इसीलिए ऐसी हूँ। ये आपको दिखाते हैं मैंने आज मैगी किस तरह से बनाई है। बहुत ही डिलीशियस मैगी है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मैगी। इसको आप घर पे बनाकर ट्राई करेंगे ना, छोटी छोटी भूख के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत टेस्टी बनेगी। बहुत सिंपल सोवर सोर्सेज में मैंने इसे बनाया, तो प्लीज़ ज़रूर जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आप किसी काम आई हों तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, जाकर देखिए वीडियो। यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैं आई हूँ। ये एक पैकेट नूडल मैंने इसमें खोल लिया है, ये वाला 10 रुपये का मैगी का पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, एक मैंने खोल लिया और ये दूसरा जाएगा इस प्लेट में। बॉईल करूँगी मैं नूडल्स, मसाले नहीं डालूँगी मैं इसमें, खाली सिर्फ बॉईल करूँगी। हल्का सा नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के, ये टेस्ट मेकर है, ये हम इसी में रख लेते हैं। बाकी हाँ, मैंने लिया है एक बड़ा टमाटर, चॉप कर लिया अच्छे से, और बड़ा लंबा लंबा मैंने प्याज काटा, एक बड़ा प्याज, और 3 छोटी छोटी मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली हैं, 4 से 5 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली हैं। तो आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर नहीं ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। मैंने यहाँ पर मटर वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, बाकी इन सब चीज़ों से मैं बना रही हूँ। आप पीस डाल लें, मटर डाल लें, या रेड येलो कोई भी शिमला मिर्च आप यूज़ कर सकते हो, बंदा गोभी आप डाल सकते हो, कैरेट्स यूज़ कर सकते हो, मैंने नहीं लिया। यहाँ पर ये पानी बॉईल हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इस पानी में मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच से भी कम मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ताकि नूडल्स चिपके ना। मैं इसमें बस 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ये आप, मैंने ऑयल थोड़ा सा ले लिया, और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल ऐड, सॉल्ट ऐड करेंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें नूडल ऐड कर दूँगी, हमारी जो मैगी है हम वो इसमें ऐड करेंगे। और गाइस, नूडल तो बच्चे से लेके बड़े तक सबको बहुत पसंद होता है, और बहुत अच्छा लगता है सबको, यहाँ तक कि जो इन्फेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उन तक को भी बहुत पसंद होती है मैगी। तो आज मैं वही बना रही हूँ, मैगी नूडल्स, और बहुत सारी वेजेस तो नहीं है, बस शिमला मिर्च वगैरह उसके साथ बना रही हूँ। आज बहुत मन कर गया खाने का, तो इसलिए मैं आज लंच में ही इसको लूँगी,
और यहाँ मैंने नूडल्स थोड़े ऐड कर दिए, थोड़े ऐड कर रही हूँ ये नूडल्स। इसमें हमें कुछ नहीं डालना, भी टेस्ट मेकर वगैरह इसमें अभी कुछ ऐड नहीं करना। यहाँ ये हमने डाल दिया सारे नूडल्स। बहुत अच्छी लगती है मुझे मैगी, ज़्यादा मतलब हफ्ते में या महीने में कभी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन आज थोड़ा मन कर गया इसलिए मैं आज मैं इसको लंच में ही ले लूँगी और रात को कुछ जल्दी से डिनर हो जाएगा बस। तो ये देखिए मेरी मैगी जो है 50-60% कुक हो रही है और यहाँ मैं आपको चला के बताती हूँ किस तरह से हुई है। ये देखिए ये इस तरह से, ये जो आप वाइट वाइट पानी देख रहे हैं ना, ये वाइट पानी, इसे माड़ कहते हैं। ये चावलों में भी होता है ना वाइट वाइट पानी, तो माड़ होता है। तो हम इसको थ्रो कर देंगे, तो आप मैं इसको थ्रो कर दूँगी यानी कि इसको फेंक दूँगी पानी को, और सिर्फ हमें नूडल्स की ज़रूरत है, पानी की नहीं। तो ये देखिए मैं ये माड़ निकाल दूँगी इसमें से, तो इसको हम निकाल लेते हैं अभी। ये हमारी 50-60% कुक हो गई है, फिर मैं इसको बाद में थोड़ा सा बॉयल लगाऊँगी तो ये वैसे भी कुक हो जाएगी, फाइन कुक हो जाएगी, और फिर ये अच्छे से मैगी हमारी बन जाएगी। तो ये मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये हमारी मैगी अच्छे से बॉईल हो गई है। इसे मैंने एक बड़ी प्लेट में अच्छे से, जिसमें मैंने ये नूडल के पैकेट खोले थे उसमें मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है ताकि ये चिपके ना। ऑयल पहले ही डाल दिया था हमने इसमें, तो अब मैं इसको अच्छे से, आज मैं बिल्कुल चाउमीन की तरह इसे बनाऊँगी, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। एंड तक देखिए मेरी वीडियो, आपको अच्छी लगेगी और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यहाँ मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर, और अपनी तेज़ गैस को मैंने तेज़ कर लिया है और अब हम इसमें सारी वेजेस वगैरह पकाएंगे। मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी हैं अभी यहाँ, और जैसे अभी प्याज ऐड करूँगी, इसको पकने देंगे हम। हमने इसमें हरी मिर्च ऐड करी थी, इसके बाद फिर हमने यहाँ पर प्याज ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से अब चलाएंगे। ताकि ब्राउन हो जाए उसके बाद अब इसमें टमाटर ऐड की, आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस शिमला मिर्च पकाएं ताकि वो अच्छे से ज़्यादा कच्ची ना रहे। प्याज आप कच्चा रख सकते हो, बस हल्का ब्राउन करना है आपको, लाइट ब्राउन। इसके बाद आप इसमें टमाटर ऐड करना। यहाँ मैंने टमाटर शामिल कर रहे हैं इसमें, अच्छे से टमाटर ऐड करें आप इसमें, और फिर नमक ऐड करें। मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करा है, थोड़ा सा कम करें जब हमने उबालने में ही, अपने बॉईल करने में ही ऑयल और सॉल्ट ऐड करा था, और हम इसको टमाटर को पकने देंगे ताकि गल जाए अच्छे से। यहाँ हम रोटी के मसाले थोड़े थोड़े ऐड करेंगे इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, और ये है हमारा धनिया पाउडर ये आधा चम्मच, थोड़ा सा डाल लेते हैं और थोड़ा सा। चलिए में फेरी वाले वगैरह आते रहते हैं तो उनकी आवाज़ में टच तो नहीं कर सकती सॉरी उसके लिए, बट अब मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, करना ही पड़ता है गर्ल्स को, वुमेंस को। तो यहाँ मैंने प्याज अपना अच्छे से कर लिया ब्राउन और थोड़ा सा कच्चा छोड़ा है, और टमाटर हमारा पक चुका है। मैं इसमें अब शिमला मिर्च ऐड करने जा रही है जो मैंने कट कर रखी थी, मैं इसमें मिला दूँगी शिमला मिर्च, ऐड कर दी मैंने अच्छे से इसमें, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे ढककर, कच्चापन दूर हो जाए और
से अपन इसका अच्छे से दूर हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगी। कितनी प्यारी लग रही है ना, हरी हरी। शिमला मिर्च बस 10 से 5, बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं आप, कच्चापन इसका दूर हो। और इसमें इसको मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया है प्लेट से, बस थोड़ी देर के लिए कच्चापन थोड़ा सा इसका पक जाए, बस 1 से 2 मिनट के लिए। ये हमारी थोड़ी सी मतलब पक चुकी है अच्छे से, इसको मैंने ढका हुआ था, नहीं उठा प्लेट हटाई है बस। अब ये अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अपनी मैगी। आप इसी स्टेज पर सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल चाउमीन का टेस्ट देगी आपको। और वेजेस ऐड कर सकते हो इसमें ही, चाउमीन मैगी कम चाउमीन हो जाएगी फिर वो, और मैगी से भी आप चाउमीन क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। ये हाँ मैंने नूडल ऐड कर दिए हैं अच्छे से, और मैं इसको उठा उठा कर अच्छे से इसको ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च के साथ, अच्छे से मतलब इसको मसालों में चला दूँगी। बहुत अच्छे से बनाइए आप घर पे इसको, बहुत अच्छा टेस्ट, बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे इस तरह से बनाइए। तो मैं तो अपने घर में इस तरह से बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं मेरे को कमेंट में बताइए, रेसिपी भी शेयर करिए थोड़ी सी। आगे आपको मैं क्या दिखाऊँ, DIYs मैंने कहे थे आपके लिए लाने के लिए, वो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाली हूँ। मुझे कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आप क्या चाह रहे हैं मुझसे, मैं उसकी उसको पूरा कर पाऊँ। और यहाँ ये मेरी चाउमीन थोड़ी सी 80% रेडी है, बस थोड़ा सा इसमें पानी, मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी इसमें, हल्का सा पानी ऐड किया है मैंने इसमें नीचे, ये देखिए। और यहाँ ये हल्का सा बस इसको स्टर देंगे, और फिर इसको इसी तरह से कम आंच पर इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। हमारी मैगी तैयार है, हमने अपनी मैगी को 5 मिनट के लिए, बस 2 से 3 मिनट के लिए ढका हुआ है बस। और आप इसको बस 2 से 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएं और इसको सर्व करें और इसका मज़ा लें। यहाँ मैंने अभी जिस मैगी का ढक्कन खोला है, आप इसी स्टेज पर इसको डिश आउट करके खा सकते हो, उसका मज़ा ले सकते हो। और मैंने यहाँ पर अपने जो टेस्ट मेकर थे वो नहीं डाले हैं, आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ उसको, इस स्टेज पर भी खाया जा सकता है। इसमें मैं ये ऐड कर दूँगी अच्छे से टेस्ट मेकर, यहाँ ये दूसरा वाला टेस्ट मेकर मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें मुझे टेस्ट मेकर डाल कर भी खाना पसंद है, नहीं पसंद है, क्योंकि वो मैगी जो होती है ना बॉयल करके जो खाते हैं हम लोग, बिना छुकी हुई जो होती है, उसके अंदर टेस्ट मेकर अच्छे लगते हैं। बाकी ऐसे आप इसको इस तरह से भी रूटीन के मसालों के साथ ऐड करके भी खा सकते हैं। मैंने अपना सॉल्ट कम रखा है, आप ज़्यादा रख सकते, मतलब टेस्ट मेकर अगर नहीं डाल रहे तो आप अपने स्वाद के अनुसार खाएँ, वरना इसमें अगर डाल रहे तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम डालें, मैंने कम डाला है और टेस्ट मेकर ऐड किया है। तो हमारी मैगी बनकर रेडी है, मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो मेरी मैगी यहाँ बनकर बिल्कुल रेडी है, तो आप लोग ज़रूर रेसिपी को, मैगी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल आप इसी स्टेज पर यहाँ पर चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ हो गया या और भी कुछ चटनी वगैरह कुछ भी आप अपनी हिसाब से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे जो शिमला मिर्च पक कर तैयार हो गई है, मैं इसको लंच में ही खाऊंगी, और यही होगा आज मेरा लंच। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको, आपने ट्राई की तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट या फिर बाहर से आप स्ट्रीट स्टाइल खाते हो ना, इस तरह से मैगी बनी है ये, मैंने आपको बनाकर दिखाई है। आप इसमें और भी वेजेस ऐड कर सकते हो, मैंने इसमें थोड़ी सी कम रखी है, आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हो ताकि ये और बढ़ जाती है मैगी, तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी तो इसलिए मैंने वेजेस कम रखी। तो आप कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करें, लाइक करें वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर करें फ्रेंड्स में, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।